in our mail address to participate in the district Kala Utsav 2016 at Ram Gopal Hindi High School Balangi to send a team of folk dance. We became extremely happy, and the next day we selected a team consisting of 9 participants of our school, including 5 girls and 4 boys, who will participate folk dance entitled Ghurka Nach, which is called the tribal folk dance of our area. In the past, this folk dance was very popular because the tribal people of the locality, they used to perform this Ghurka Nach, this tribal dance of the area, to maintain their family, because in this dance the total family members participate and they travel from village to village and earn their livelihood to maintain their family. Anyway, this is a golden opportunity for the students of our school to perform this folk dance entitled Ghurka Nach in the district level competition, which is known as District Kala Utsav 2016. And here, this folk dance, which was used to be performed everywhere in our locality, is going to be disappeared from our locality now. So we want to make this Ghurka Nach popular again, and thinking this in our mind, we became inspired receiving the letter from the office of the DO, and we started our rehearsal by taking a director of this folk dance, Mr. Behra. And regularly Mr. Behra is cooperating our students team in the performance of Ghurka Nach. Thanking you all these participants, and expecting grand success in future performing this act of dance in the audience of Ram Gopal Hindi High School Balangi. बच्चे लोग इस नाच में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, तुम इससे पहले ऐसा नाच किए थे क्या? नहीं सर, इससे पहले कभी नहीं किया। कभी नहीं? तो पहली बार करते हो? हाँ। बेस्ट ऑफ लोग अभ्यास के वक्त तुमको घुड़का नाच नाचना कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग आगे जाने के लिए तैयार हैं और नेशनल लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं और हमारा स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अच्छा जी, वेरी गुड एक्सपेक्टेशन। अच्छा बेहरा सर, सर आप डायरेक्टर है ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा बेहरा सर, सर आप डायरेक्टर है ना? हाँ सर। हमारे बच्चे लोगों को नाच सिखाने में आपको कैसा महसूस होता है? ये डांस सिखाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये घुड़का नाच ऐसा एक डांस है कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा हाई स्कूल का जो लड़का लड़की मिला के हम डांस करते हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आगे आपका इरादा क्या है? मेरा ये इरादा है कि इसी मुरीबहाल का ये हाई स्कूल जो लड़का लड़की डांस कर रहे हैं, इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम बलांगीर में कंपटीशन है, सिलेक्शन होने के बाद पता चलेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेहरा सर, हाँ सर, आप इस नाच दिखाने में कहाँ कहाँ से सफलता हासिल की है? मैं ये डांस तो सर मैं 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं
ये डालखाई रसर के लिए कर रहा था जी। अभी ये घुड़का नाच बहुत परिचित है। अच्छा, अच्छा। और इसी डांस को लेके मैं NZCC तरफ से कलकत्ता गया था, उसके बाद गुवाहाटी नागालैंड मणिपुर गया था। अच्छा। और NZCC तरफ से मैं अभी दिल्ली गया था। अच्छा, वही सर, आप इस नाच का गाइड टीचर होने में कैसा महसूस कर रहे हैं? I am very happy sir क्योंकि मेरे बच्चे ने अच्छा तैयारी की है और उनको मेरी दुआ है कि आगे जाकर हमारा स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं उनके गाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग उनका जो प्रॉब्लम है मैं उनका प्रॉब्लम अच्छे तरह से समझ सकूं। अच्छा। और उनको उनको प्रॉब्लम में हेल्प करूं जो उनके आगे काम आएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thank you.